नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील कुमार। स्वागत है आपका मैथ टिप्स गुरु चैनल में। हम आपको आज नॉन वर्बल का कुछ पार्ट कराएंगे जो कि वर्गीकरण से संबंधित है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वर्गीकरण होता क्या है, तो देखिए इसमें से चार ऑप्शन होते हैं, उसमें तीन एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो देखिए करते कैसे हैं, इसमें से तीन सेम होंगे और एक डिफरेंट टाइप का होगा। तो देखिए करेंगे कैसे, एक दो तीन चार, इसके भी ये क्या है, वैसे तो दिख तो रहा है वर्ग, लेकिन है तो इसमें चार कोने, इसमें भी चार कोने हैं, इसमें भी चार कोने हैं, लेकिन इसमें क्या है, तीन कोने हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तीन कोने वाला। देखिए दूसरा वाला देखिए, देखो इसमें कैसे, अब चार दे रखे हैं, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से तीन समान छांटने हैं और एक असमान, जो असमान होगा वही होगा। तो देखिए ये आकृति, ये भी सरल रेखाओं से बनी हुई है, चार सरल रेखाएं, एक दो तीन चार सरल रेखा होती है ये। अब देखिए इसमें, इसमें नहीं, इसमें देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच, ये भी सरल रेखाओं से बनी हुई है, एक दो तीन चार पांच, ये भी सरल रेखाओं से बनी हुई है, लेकिन एक दो तीन, अब इसमें तीन सरल रेखा है और एक ये वक्र टाइप सा है, जो वक्र दिख रहा है ना, ये भी इसी वजह से, इसलिए ये बी वाला हो जाएगा। अगली आकृति देखिए, अब देखो चारों को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, पहले ए वाले को देखते हैं। तो देखो ये गोला है, ये फिर तीर का निशान है इधर, अब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये भी ऐसा ही अपोजिट है, अब ये भी अपोजिट है, मतलब जिधर गोला है उसके अपोजिट में तीर है, दोनों ऐसे ही है। लेकिन इसमें देखो, पहले इसमें देख लेते हैं डी वाले में, इसमें भी ऐसी है जो कि तीनों आकृति बन रही है, लेकिन ये सी वाली जो आकृति है इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ तीर के निशान है, मतलब दोनों एक ही तरफ तीर के निशान है ना, और एक ही तरफ गोला है, इसकी वजह से ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति समान बन रही है ना, सेम बन रही है ना। तो हमारा क्लासिफिकेशन तो यही कहता है, वर्गीकरण तो यही कहता है कि तीन आकृति समान होंगी और एक असमान होगी, जो कि इस तरह है। देखिए अब इस आकृति को देखेंगे हम, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें चार हो सकते हैं, क्योंकि देखो इस आकृति को देखेंगे तो ये भी कोने की तरफ है, इसको देखेंगे ये भी कोने की तरफ है, इसको देखेंगे ये भी, इसको देखेंगे ये भी, लेकिन इसमें दूसरा लॉजिक, कुछ और लॉजिक को लगाएंगे ना, तो देखिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे, तो ये देख लेते हैं, इसका मुंह किधर है, अगर ये इसका मुंह इधर है तो ये तो घड़ी की दिशा में है, इसका मुंह ऐसी तो घूमती है, घड़ी की जो सुई मिनट घंटा सेकंड की घूमती है, इसी तरह से घूमती है, इसको देखेंगे तो इसका मुंह इधर है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ये घड़ी की विपरीत दिशा ही तो है, अब इसको देखेंगे, अब इसका भी ऐसे ही है, इसका भी मुंह इधर ही है ना, घड़ी की दिशा में, यूं करके जैसा जिधर घड़ी की घंटा मिनट सेकंड की सुई घूमती है उधर ही तो है, अब इसको देखेंगे तो ऐसे ही इसका मुंह इधर है, अब इसको घुमाएंगे इस वाली आकृति को तो ऐसी तो घूमेगी इधर ही, लेकिन ये जो आकृति है, ये आकृति इधर घूम रही है इधर की तरफ, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, तो इसका मतलब ये है ये वाली हमारी आकृति इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें से देखेंगे तो शायद ढूंढना पड़ेगा इसमें, तो देखिए कैसे देखेंगे बताओ, तो ये क्या है, एक दो तीन चार, चार सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति है ना, तो लेकिन इसमें कितने द्रव्य बन रहे हैं, एक दो तीन चार, चलो ठीक है चार रेखाओं से बनी हुई है, चार सरल रेखाओं से, चार ही त्रिभुज है इसमें, चार त्रिभुज, लेकिन इसमें देखेंगे ये कौन सी आकृति है, ये छह भुज है, एक दो, देखो एक दो तीन चार पांच छ, लेकिन इसमें क्या है छ, अब इसमें त्रिभुज बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच छ, यानी छह भुजा है इसमें, यानी ऐसे कह लो छह कोने हैं और छह ही इसमें क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, बी वाले में भी छह त्रिभुज है। अब देखो इसको देखो, एक दो तीन चार पांच, इसमें पांच कोने हैं, लेकिन एक दो तीन चार पांच छ, ये तो सिस्टम गड़बड़ा गया इसका, पांच कोने और छह त्रिभुज। अच्छा इसको देख लेते हैं पहले, इसमें कितने कोने हैं, एक दो तीन, तीन कोने, त्रिभुज कितने, एक दो तीन, इसका भी हिसाब सही है,
कि तीन कौन है, तीन ही त्रिभुज। तो इसमें देखेंगे इसमें पांच कौन है और छह त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखेंगे तो छह कौन है छह त्रिभुज, इसमें भी देखेंगे तो चार कौन है चार त्रिभुज, तो यही हो जाएगा। ओके।